हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लर्निंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। हम आज से सीटेट के लिए एसएसटी फोर्थ सेकंड पेपर को कंप्लीट करेंगे और यह कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जिसमें हम क्लास 6 to 8 कंप्लीट सोशल साइंस की स्टडी करेंगे और लास्ट ईयर के पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। यह वीडियो आपको मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को मिलेंगी। संडे को हम लास्ट ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये भी पता चले कि हमने इस वीक में कितनी प्रिपरेशन की है। और जो भी आपको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को जो वीडियोस आपको मिलेंगे वो सीक्वेंस से मिलेंगे। जैसे दिस मंडे आपको ज्योग्राफी लेक्चर फर्स्ट, तो वेडनेसडे आपको हिस्ट्री लेक्चर फर्स्ट, फ्राइडे आपको सिविक लेक्चर फर्स्ट, इसी तरह से आपको सेम नेक्स्ट वीक में। और संडे को हमारा रहेगा लास्ट ईयर प्रिपरेशन सॉल्व। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। जैसा कि आप देख सकते हो, सौर मंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आपने उनकी गणना भी नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। आपने देखा होगा स्काई में रात को कि बहुत सारे आपको क्या दिखाई देते हैं, स्टार्स, बहुत ज़्यादा स्टार्स दिखाई देते हैं, तारे दिखाई आपको देते हैं, अनगिनत आपको छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं दिखाई देती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। आपने देखा होगा कुछ की लाइट बहुत ज़्यादा होती है और कुछ की लाइट बहुत कम होती है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। आपने देखा होगा कि हमें तारे दिखाई देते हैं, चमकीली वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसके साथ हमें आकाश में क्या दिखाई देता है, चंद्रमा। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देखते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ और आप इसको नोट डाउन, जब भी आप क्लास में बैठो तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करते जाइए कि पूर्ण चंद्रमा, क्योंकि सीटेट में जब भी बेस पूछा देते हैं क्वेश्चन तो टू द पॉइंट्स पूछे जाते हैं बुक से। तो यह कभी ऐसे पूछा जाता है कि पूर्ण चंद्र वाली रात को क्या बोलते हैं, तो पहले आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल है कि पूर्णिमा क्या होती हो, पूर्णिमा 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये आपको 15 दिन बाद नहीं दिखाई देगा। क्या नहीं दिखाई देगा, चंद्रमा। यह नए चंद्र की रात या अमावस्या होती है, यानी आपको अमावस्या को मून दिखाई नहीं देता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि नए चंद्रमा की रात्र या न्यू मून नाइट क्या होती है, तो क्या होगा, अमावस्या, फुल मून या पूर्ण चंद्रमा, कौन सी रात होती है, पूर्णिमा। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हो। जब स्काई हमारा क्लियर होता है आसमान, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ों को देख सकते हैं क्लियर। तो यहाँ से इस वाले पैसेज से हमारी दो चीज़ें क्लियर हुई, पूर्णिमा पूर्ण चंद्रमा वाली रात, अमावस्या न्यू चंद्रमा, नए चंद्रमा वाली रात यानी न्यू मून। दो चीज़ें आप नोट डाउन करिए। आगे क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं समी छोटी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। यानी जो चीज़ें हम रात को, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं।
हमें यानी हम क्या सोचते हैं कि रात को मून आता है और दिन में सन आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, हम क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य का इतना तेज प्रकाश रहता है जिसके कारण हमें मून दिखाई नहीं देता है, हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता है या और हमें तारे नहीं दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जो सन लाइट्स होती है, सूर्य की जो रोशनी होती है, वो इतनी तेज़ होती है। इसके कारण सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। नोट डाउन दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सीटेट में आ चुका है। जब मैं आपको लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कराऊंगी तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि खगोलीय पिंड्स क्या होते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा और वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वो सभी खगोलीय पिंड हैं। यानी जो चीज़ें हमें आसमान में दिखाई देती हैं वो क्या है, वो सभी खगोलीय पिंड हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। इंग्लिश बर्ड जो बर्ड है इसका वो क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तारा पूछा जाए, तारा क्या है, तो जो चीज़ें अपने जिनके पास क्या होता है, ऊष्मा तथा प्रकाश, क्या होता है, जिनके पास अपनी हीट और लाइट, जिनके पास अपनी ऑन्स की हीट एंड लाइट्स होती है, वो सारे क्या कहलाते हैं, स्टार्स कहलाते हैं सारे। जैसे हमारा जो सन है वो भी क्या है, एक स्टार है, सूर्य भी एक तारा है। नेक्स्ट, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा तथा प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वो अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि रात को हमें जितने भी तारे दिखाई देते हैं वो क्या है, हमें बहुत छोटे 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 दिखाई देते हैं, और जिनका ना तो हम प्रकाश, हमें कभी तारों का प्रकाश हमें नहीं मिलेगा, ना ही हमें कोई भी हीट मिलती है। जैसे हमें सन की हीट मिलती है तो हमें तारों की हीट नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अत्यंत क्या है, उनका दूर है हमसे, बहुत दूर होने के कारण हमें ना उनका हीट मिलती है, ना उनकी लाइट मिलती है, ना ऊष्मा ना प्रकाश। आपने बस ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि जब एरोप्लेन्स हमारे आकाश में निकलते हैं तो वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप पास से देखोगे तो वो बहुत बड़े दिखाई देते हैं। ये एक एग्जांपल से आप अच्छे से समझ सकते हो। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब क्वेश्चन है बनता है आपका नेक्स्ट कि क्या है नक्षत्र मंडल, क्या है इसके चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट वो हैं वो भी मैं लास्ट में आपको बता दिया करूँ, कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट्स हैं। ये एक्सरसाइज से ही आपका डायरेक्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो नक्षत्र मंडल क्या है कि जो शेप्स बनती हैं, आकृति बनती हैं हमारे आकाश में तारों की, उनको क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल। जैसे आपको एक पिक्चर में ये दिख रहा है आपको कि आपने देखा होगा पोल स्टार, ध्रुव तारा जिसको बोलते हैं हिंदी में, और पोल स्टार इन इंग्लिश, कि वो कैसे कौन सी दिशा में होता है। तो सबसे पहले नॉर्थ होता है, नॉर्थ दिशा में होता है, और इनको हम किसके द्वारा देख सकते हैं, ये जो संकेतक तारे हैं ये आपको दिख रहे हैं संकेतक तारे। आगे देखिए अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यानी कि हम जो अर्सा मेजर या बिग बियर है उसको आसानी से हम आसमान में पहचान सकते हैं कि अर्सा मेजर और बिग बियर कहाँ पर है। सप्त यानी सात ऋषि में संत, यह सात तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस की किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में
और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं बस कराती जाऊंगी साथ साथ। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यहाँ देखिए उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ध्रुव तारा किस दिशा को इंडिकेट करता है, किस दिशा को बताता है। ध्रुव तारा, पोल स्टार, ये ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शंस को, उत्तर दिशा को बताता है। ये हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और इसको हम सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसे आप ये देखो पिक्चर्स में, अगर हम आकाश में देखेंगे तो ये सप्तर्षि है हमारे संकेतिक तारे के पास में, और इससे हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो एकदम सीधे हम उसके देखेंगे तो जो ऊपर हमें दिखाई देता है उत्तर साइड में, वो कौन सा है, ध्रुव तारा है। आगे देखिए, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं आकाश में जिनके पास अपने क्या नहीं होते हैं, ऊष्मा नहीं होती है, प्रकाश नहीं होता है, तो वो किससे वो प्रकाशित होते हैं, तारों के प्रकाश से। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। जैसे हमारा अर्थ भी क्या है, एक ग्रह है, और इस चैप्टर का भी नाम है कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल में। तो जितनी जिनके पास ऊष्मा है, जिनके पास अपने प्रकाश है, वो सारे तो तारे कहलाते हैं। और जिनके पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं है फिर भी प्रकाशित हो रहे हैं तारों के प्रकाश से, उनको हम कहते हैं ग्रह। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के ये क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटर एग्जाम में पूछा गया है कि जो प्लेनेट वर्ड्स है वो किस लैंग्वेज के किस वर्ड से बना है, तो इसको भी आप नोट डाउन करें, प्लेनेटाई शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। यानी कि ग्रह वो चीज़ है, वो है जो चारों ओर हमेशा क्या करती रहती है, घूमती रहती है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। ये भी है कि अगर पूछा जाता है कि सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो कौन सा है, वो सूर्य। सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, सन, सूर्य। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जिस तरह से हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि मून आ गया और मून लाइट हो रही है, चंद्रमा की हमें रोशनी मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी भी ऐसे ही चमकेगी जैसे पृथ्वी से हमें चमकता हुआ चंद्रमा दिखाई देता है। अब साइड से देखिए कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यानी कि जो हमारा ग्रह है, ये ग्रह के नाम है, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, यूरेनस, ये तीनों जो ग्रह के नाम दिए गए हैं, इनके चारों ओर क्या है, छल्ले हैं, और वो असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। जो छल्ले हैं वो क्या हैं, छोटे छोटे कणों से बनी हुई पट्टियां हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। अब देखिए सूर्य, बुध, ये आपको सोलर सिस्टम पूरा दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले सन, उसके बाद सन के बाद आपका मर्क्यूरी, बुध, उसके बाद आपका शुक्र, पृथ्वी, मंगल। कभी कभी एग्जाम में ना इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम बताइए। इस चीज़ में, इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको अंडरलाइन करते हुए बताती जा रही हूँ, तो दो चीज़ें इसमें से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कि
डिस्टेंस मतलब दूरी के हिसाब से पूछा जा सकता है, और या फिर आपका जिस तरह से वो उनका पूछा जाता है बड़े और छोटे, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट के हिसाब से। जैसे आपका, उसके बाद आपका सबसे बिगेस्ट ग्रह कौन सा है, आपका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। और अगर सीक्वेंस के हिसाब से पूछा जाता है तो आपको, जैसे मैंने अभी सोलर सिस्टम का पूरा ये पिक्चर्स दिखा दिए, अगर आप ये देखिए सबसे पहले आता है अगर, और इसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें लाइन दी गई है जो आप आगे पढ़ोगे, जिससे आपको सीक्वेंस बहुत जल्दी हो जाएगा, उसके लिए एक ट्रिक दी गई है, आप सीक्वेंस याद कर लोगे और कभी नहीं भूलोगे। तो आप बस अभी यहाँ पर देख लीजिए बस कि किस तरह से, तो नंबर वन पर मेरकुरी बुध, नंबर टू पर शुक्र, नंबर थ्री पृथ्वी, नंबर फोर मंगल, और नंबर फाइव बृहस्पति, नंबर सिक्स आपका सैटर्न, और नंबर सेवन आपका यूरेनस, और लास्ट नेपच्यून इज नंबर एट। यहाँ भी वही सारा क्रम दिया गया है। इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, जो आपके सीटेट में मोस्टली पूछा गया है। मैंने पूरा लास्ट 10 ईयर्स के, मैं आपको 8-11 से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी। हर संडे को आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो ये इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, उनको नोट डाउन करते जाइए। एक तो क्वेश्चन इसमें से बनता है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से क्रम लगाइए, तो आपको क्रम से इनको लर्न करना है कि पहले नंबर पर कौन सा है हमारा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, और यूरेनस और नेपच्यून। और एक क्वेश्चन इनसे बनता है कि हमारे जो आंतरिक और बाह्य ग्रह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार पूछा गया है आपका, कि जो आंतरिक ग्रह हैं वो किसके बने हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने हैं, तो आंतरिक ग्रह वो होते हैं जो आप देख पिक्चर्स में देख पाएंगे कि ये क्षुद्र ग्रह पट्टी, यहाँ पर लिखा हुआ है क्षुद्र ग्रह पट्टी, इसके इधर वाले जो ग्रह हैं ये सारे आंतरिक ग्रह हैं, और इसके जो इस साइड से जो ग्रह हैं, यानी कि जुपिटर आपका, शनि, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये आपके बाह्य ग्रह, आउटर ग्रह हैं। तो आप इनको, इस चीज को याद कर लीजिए यहां से, कि जो आपके आंतरिक ग्रह हैं वो चट्टानों से बने हुए हैं, और जो बाह्य ग्रह हैं वो आपके गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है, आपको पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह गैसीय ग्रह हैं, ये पूछा जाता है आपको। तो आप सीक्वेंस से जैसे जब याद करोगे तो आप देख लेना कि बृहस्पति, शनि और आपका यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों आपके ग्रह ऐसे हैं जो आउटर ग्रह हैं, और ये किसके बने हुए हैं, गैसों के और लिक्विड्स के, तरल पदार्थों के। ये क्वेश्चन इसमें से बनते हैं 2 तरह के। नेक्स्ट देखिए आप, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, यह है हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। आगे ये अभी कभी कभी पूछा जाता है, इतना इम्पोर्टेंस नहीं है एग्जाम के लिए, कि आसमान में एक चंद्रमा हमें दिखाई देता है, तो चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, ये हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल उपग्रह है पृथ्वी का। और इसी तरह से जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है, जैसे अलग अलग जो जितने भी ग्रह हैं उनके भी क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं, ये यहाँ पर, लेकिन इम्पोर्टेंट्स नहीं है, तो हम आगे बढ़े इसमें। सौरमंडल, सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ पर कि सौरमंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या 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 सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा खगोलीय पिंड, ये सारा किसका निर्माण करते हैं, आपका सौरमंडल का। तो ये है, और इसका सौरमंडल का कभी पूछा जाए कि मुखिया कौन है, तो वो आपका सौरमंडल का मुखिया कौन है, सूर्य,
ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें। नेक्स्ट, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मुखिया। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य किससे बना हुआ है? गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना आपके बस ये डिस्टेंस इसकी नोट डाउन कर सकते हो आप कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद आपका है ग्रह। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जैसा अभी हमने मैंने आपको दिखाया था पिक्चर 8 ग्रहों की, और वो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अब इसके लिए देखो, मैंने आपको बताया था कि अभी मैं आपको एक ट्रिक इसी चैप्टर में दिखाऊंगी, तो ये देख लीजिए कि आप कभी नहीं भूलोगे इस तरह से। सिर्फ आप क्या लर्न कर लीजिए, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। आप अगर इसको याद कर लोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे इस चीज़ को कि आपको ये किसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार। वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, आप इसको बस लर्न कर लीजिए। आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप दूरी के अनुसार, जो सन से दूरी के अनुसार जो क्रम है ग्रहों का, उसको कभी भी आप नहीं भूलोगे। तो ये बस आप ट्रिक याद कर लीजिए कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई से आपका हो जाएगा मेरकुरी, ये आपके इंग्लिश नाम है, ये भी ध्यान रखना है आपको, हिंदी नेम नहीं है। माई M4 मेरकुरी यानी बुध हो गया आपका। वेरी वी वीनस यानी शुक्र। अर्थ पृथ्वी, M4 मार्स यानी आपका मंगल। जे आपका जुपिटर यानी बृहस्पति। एस आपका सैटर्न, शनि। यू यूरेनस, सेम। नेपच्यून सेम। इस तरह से आप सीक्वेंस को याद कर लो तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको याद हो जाएंगे। और आपके ये जो ग्रह हैं, यहाँ से देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आपके आंतरिक ग्रह हैं। और ये किसके बने हुए हैं? चट्टानों के, जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। और आपके बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये ग्रह आपके गैसी ग्रह हैं, लिक्विड्स के बने हुए हैं, तरलीय पदार्थों के बने हुए हैं। उसके बाद सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जैसे आपका अगर ये सन है तो जितने भी ग्रह हैं तो वो कैसे चक्कर लगाएंगे? आपका निश्चित पथ पर इस तरह से आपका चक्कर लगाएंगे, सारे ग्रह आपके एक सीक्वेंस में चक्कर लगाएंगे आपके। और इसी जो ग्रह ये इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इनकी कक्षा। क्या कहलाती है ये? इनकी कक्षा कहलाती है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, ये हमने पहले ही हमने बता दिया है, M4 मेरकुरी और बुध। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल कितने दिन लेता है आपका? 88 डेज। कितने दिन लगते हैं इसको? 88 डेज लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं, तो वो आपका आंसर होगा क्या? शुक्र। क्या आंसर होगा आपका? शुक्र, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जुड़वां ग्रह। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। हाँ, आपने देखा होगा अभी तक एक प्लूटो भी ग्रह था, वो भी उसको क्या माना जाता है? एक ग्रह माना जाता था। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV
313 सिरस तथा प्लूटो बोनी ग्रह कहे जा सकते हैं। यानी अब इसको किस में कर दिया है हमने, बोनी ग्रह में कर दिया है। अब ये ग्रह नहीं है, कैसा ग्रह है, एक बोना ग्रह है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका है पृथ्वी, ये आप यहाँ से एक इम्पोर्टेंट, क्या आप जानते हैं, ये देखिए क्या आप जानते हैं, प्रकाश की गति लगभग 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये क्वेश्चन आपका बनता है कि प्रकाश की गति क्या है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 सेकंड का समय लगता है। कितना, 8 मिनट का समय लगता है पहुंचने में। आगे देखिए, सूर्य से पृथ्वी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा ग्रह है। सूर्य से अगर हम दूरी के हिसाब से देखें तो पृथ्वी कौन सा ग्रह है, तीसरा ग्रह। आकार में पांचवा ग्रह है। अगर पूछा जाए दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन से नंबर पर आता है तो तीसरे नंबर पर। और आकार में, जैसे मैंने बताया ना जुपिटर सबसे बड़ा है, इस तरह से हम आकार की बात करें तो पृथ्वी किस नंबर पर आएगा, पांचवें नंबर पर आएगा। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसका आकार भू आव है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोड, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, जियोड, इसको इंग्लिश में जियोड बोलते हैं, भू आव। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पृथ्वी की आकृति किस तरह की है, तो इसकी आकृति जो है वो कैसी है, भू आव, ये क्वेश्चन बनता है आपका। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोड। वो आपका अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, तो इसको क्या बोलते हैं, भू आप। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां, यहां से ऐसा कुछ इंपोर्टेंट नहीं है आपका, तो थोड़ा आगे चलते हैं हम। हाँ, ये बनता है कि अंतरिक्ष से देखने में हमारी पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि पृथ्वी, ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो नीला ग्रह इसीलिए नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि, नीला ग्रह इसीलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि ये जब हम इसको आकाश से देखते हैं तो ये नीले रंग की दिखाई देती है। और इसका क्या रीज़न इसका क्या है नीले रंग का, क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। यानी हमारे, अगर हम अर्थ का विभाजन करें तो देखेंगे कि हमारे अर्थ पर पानी जो है वो ज़्यादा है और जो लैंड है वो क्या है, कम है। तो इसलिए हमें, हमारी जो अर्थ पृथ्वी है वो वहाँ से आकाश से कैसी दिखाई देती है, अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, नीले रंग की। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट। उसके बाद है आपका नेक्स्ट चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यानी अगर हम इसके सरफेस की व्यास की बात करें तो हमारे पृथ्वी पास जो एक उपग्रह है, केवल एक उपग्रह है, मतलब नेचुरल उपग्रह पृथ्वी का सिर्फ एक ही है। बाकी के पास सबसे ज़्यादा जुपिटर के पास हैं उपग्रह। ये आपके इस चैप्टर में नहीं है ना, पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि जुपिटर के पास 68 समथिंग हैं। तो आपका यहाँ पर हमारे पृथ्वी के पास क्या है, चंद्रमा। यानी हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है और वो क्या है, चंद्रमा। और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। यानी इसका डायमीटर जो है वो कितना है, 1/4 पृथ्वी के व्यास से। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यानी कि हमारे, ये छोटा है लेकिन ये हमारी पृथ्वी के नज़दीक है। इसलिए आपको लगता होगा कि चंद्रमा और सूरज के दोनों ही सेम है। रात को चंद्रमा हमें सेम दिखाई देता है और दिन में हमें सूरज दिखाई देता है, लेकिन इसका जो व्यास है वो पृथ्वी से भी छोटा है, 1/4 है।
पृथ्वी के व्यास से, लेकिन फिर भी हमें चंद्रमा सूर्य के बराबर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये हमारे नजदीक में है हमारी पृथ्वी के, और सूर्य हमारे हमारी पृथ्वी से क्या है, दूर है। ये हमसे लगभग 384,400 किलोमीटर दूर है, और जब हमारा सूरज कितनी दूर है हमसे, 15 करोड़ किलोमीटर। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये 384,400 किलोमीटर है, और सूर्य कहाँ पर है। ये कंपैरिजन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कथन में कौन सा कथन सही है गलत है, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि सूर्य की दूरी इतनी है और दोनों कथन सही हैं, इस तरह से पूछा जा सकता है, तो थोड़ा इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अब आप कर सकते हैं, जान सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की पृथ्वी सूर्य कितनी दूर है और चंद्रमा कितनी दूर है। यहाँ पर देखिए, इनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सीटेट में। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है, उपग्रह क्या है, एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यहाँ आप इसको ऐसे समझिए, मैं आपको बताती हूँ। हमने माना कि ये हमारी अर्थ है और ये आपका सन है, तो आपकी अर्थ किसका चक्कर लगा रही है, सन का, और ये हो गया आपका मून, और मून किसका चक्कर लगा रहा है, आपके अर्थ का, पृथ्वी का। यानी जिस तरह से ग्रह जो होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सारे ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का, और जो उपग्रह होते हैं वो किसका चक्कर लगाते हैं, ग्रह का। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, मानव निर्मित उपग्रह क्या है, एक कृत्रिम पिंड है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, आरआईएस, एडुसेट इत्यादि हैं। ये सारे हमारे क्या हैं, मानव निर्मित उपग्रह हैं। एक तो हो गया ये चंद्रमा क्या है, नेचुरल है, इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा है। अगर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, मानव निर्मित या आर्टिफिशियल जो कृत्रिम है, कृत्रिम पिंड है, वो कौन सी, हमारे इनसेट, आई, ये सारे कैसे हैं कृत्रिम पिंड, इनका नाम दे के पूछ सकता है। एक बार शायद एडुसेट, एक बार ये क्वेश्चन आया है आपका सीटेट में कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित उपग्रह है, तो जिसमें आपके नाम दे दिए जाएंगे, और इनमें से टू द पॉइंट पूछता है। सीटेट में आपकी बुक्स की पूरी लैंग्वेज रहती है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो इनसेट, आई, आर एस, एडुसेट, ये तीनों के नाम दे दिए जाएंगे और एक कोई और दे दिया जाएगा। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित उपग्रह नहीं है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूलन नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। यानी कि जो हमारा चंद्रमा है वो क्या करता है, 27 दिन में, 27 डेज में, ये हमारी अर्थ है और ये मून है अगर, तो ये क्या करेगा, 27 डेज में जितना टाइम ये अपनी जगह पे घूमने में लेता है उतना ही इसकी परिक्रमा करने में लेता है। इतना बात आप समझ लीजिए। क्षुद्र ग्रह क्या है, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे ये तो हमने पढ़ लिया मेन चीज, स्टार हैं, ग्रह हैं हमारे और उपग्रह हैं, ये तो लगा ही रहे हैं। उसके अलावा कौन सी चीज़ और है, क्षुद्र ग्रह, ये आपको जो जैसे पिक्चर में दिख रहा है ये है क्षुद्र ग्रह, ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी सूर्य के चारों तरफ पिक्चर चक्कर लगा रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। यानी क्या होता है, जब विस्फोट होते हैं जैसे कभी कभी, तो क्या होता है, ये टूट जाते हैं, हमारे ग्रहों से अलग हो जाते हैं और टूट के फिर किस में बदल जाते हैं, क्षुद्र ग्रह में।
उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। यानी उल्कापिंड से क्या होते हैं कि जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, और ये उल्कापिंड कभी कभी हमारे अर्थ के इतने नज़दीक आ जाते हैं हमारी पृथ्वी के कि लगता है कि हमारी पृथ्वी पर गिर जाएंगे, और वायु के घर्षण के साथ होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। लेकिन क्या होता है, गिरने से पहले क्या होता है, हमारी पृथ्वी का इतना तेज घर्षण रहता है वायु का कि जलकर ये क्या हो जाता है, गिर जाते हैं, और उसके बाद चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना भी पृथ्वी पर गिर जाता है, तो इससे क्या बन जाता है कि गड्ढे बन जाते हैं आपके पृथ्वी पर। उसके बाद है आपका आकाश गंगा। ये समझ लीजिए कि क्या है आकाश गंगा, क्या है यह। इस तरह से आपने देखा होगा कभी कभी आकाश में, ध्यान से देखना, इस तरह का कभी कभी शेप्स बन जाती है। तो ये क्या होती है आकाश गंगा, हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का भाग है। ये क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो सौर मंडल है वो किसका एक भाग है, तो किसका भाग है, आकाश गंगा का। और हमारी जो पृथ्वी है वो किसमें है कब पूछा जाता है, तो किसमें है ये मिल्की वे, कहाँ पर है मिल्की वे में। और आकाश गंगा करोड़ों तारों बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, एक ब्रह्मांड का। यानी हम ऐसे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से, यहाँ कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस आप एक यहाँ से समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ पर हैं, ये आप अपने आप को देखिए, और आप किस पर रह रहे हैं, पृथ्वी पर, और पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, ये क्या है, पृथ्वी कहाँ पर है, सौरमंडल में, और सौरमंडल कहाँ पर है, आकाश गंगा में, और आकाश गंगा कहाँ पर है, ब्रह्मांड में। आप ऐसे इसको समझ सकते हो। तो जो सौरमंडल है वो आकाश गंगा का, या मिल्की वे, यहाँ पर आकाश गंगा की जगह पे मिल्की वे भी वर्ड्स यूज हो सकता है। यहाँ तक आपका हो गया। यहाँ से कभी कभी डायरेक्ट ये जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसमें से आ सकते हैं, जैसे किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं, तो ये क्या है आपका, शुक्र। आपका कौन सा हो जाएगा, शुक्र। सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तीसरा आपका कौन सा है, पृथ्वी। उसके बाद है आपका सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, वृत्तीय दीर्घवृत्तीयकार आयताकार, किस पथ पर लगाएंगे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर वृत्तीय पथ, कौन सा, वृत्तीय। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है आपका, उत्तर। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने बताया था ना कि हमारे जो आंतरिक ग्रह कौन से थे, बुध शुक्र बृहस्पति और बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, और हमारे बाहग्रह कौन से थे, बृहस्पति यूरेनस नेपच्यून और सैटर्न। तो आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। अब आप मुझे अपने अपने व्यूज़ अपने सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं कि मैं इसमें किस तरह से आपको चेंज करके जिससे और अच्छा हम इस क्लास को कर सकते हैं। मुझे जैसा बेस्ट लगा मैंने अपनी तरफ से किया, आप मुझे अपनी एडवाइस दे सकते हैं इन कमेंट बॉक्स में। और ये चैप्टर आज हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हम इसका ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर आपको लेक्चर 2 में मिलेगा, और फिर उसी तरह से। तो प्लीज़ आप इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।